शांति शांति। जो काम सब ध्यान से सुनो, जो काम निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निष्काम सेवा, सभी मेरे साथ बोलो, निष्काम, निस्वार्थ, निमित्त, निर्माण, ये चार है तो पुण्य है, चार है तो पुण्य है। कुछ भी उसके प्रति एक्सपेक्टेशन अपेक्षा है, गया पुण्य की गाथा से छूट गया। आपने 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया भंडारे में डाला, 10 लोगों को जाकर के बोला मैं तो 1000 डाला, आपने कितने डाला? चले गए आपका पुण्य, चले गए आपका पुण्य। अंदर की भावना एक परमात्मा को पहुंचता है, पुण्यानुबंधित पुण्य। आपको एक अद्भुत रहस्य भी बताता हूं, हमारा कर्म का हिसाब इतना खुशी होता है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम एक्स, दूसरा व्यक्ति का नाम वाई। ये दोनों भी मिलकर के एक बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस में सफल हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी बन जाता है। एक दिन एक्स को बुद्धि लोभवश, लोबांध बोलते हैं, कौन सा अंग? लोबांध। वो लोभवश क्या करते हैं, ये वाई को धोखा दे करके उस कंपनी से उसको हटा देते हैं, पूरा कंपनी का पावर ऑटोनॉमी उसके हाथ में लेते हैं, और वाई बाहर आने के बाद उसको बहुत मुश्किलें फेस करना होता है। पहला मुश्किल, वो मन से बहुत रोदना करके 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 उसका शरीर बीमार हो जाता है, उसके बच्चे का भविष्य बिगड़ जाता है, उस घर के शांति बिगड़ जाता है, और उस परिवार के सब सदस्यों का दुख बढ़ जाता है, और एक दिन वो वाई व्यक्ति मर जाता है। ये एक्स व्यक्ति जो है, जो उसको घर से हटाया, वो क्या करता है, वो कंपनी के पैसे से बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलता है, बहुत लोगों को फ्री सर्विस देते हैं। क्या सर्विस देते हैं? फ्री सर्विस देते हैं, और समझते हैं मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे से बहुतों का भी क्या हो रहा है, उपकार हो रहा है। ऐसे समझ करके वो पूरा जीवन बिता करके एक दिन मर जाता है। अब दोनों का भी मिलन मिलाप एक तरह से आ जाता है, और जो व्यक्ति पिछले जन्म में जो एक पाप किया, मना मेरे बात समझो, एक भूल किया पाप, 99 कर्म पुण्य किया, क्या एक भूल उसको छोड़ेगा क्या? 99 पाप एक, सॉरी एक पाप 99 पुण्य। अभी बोलो अकाउंट में कुछ वेरिएशन होता है, नहीं होता है, क्या होता है? इसने बहुत सूक्ष्म बात, 99 अच्छे काम किया ना पुण्य, जो बहुत गरीबों को उसने सब तरह से भी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट फ्री कर दिया, जो बहुतों को काम दिया, बहुतों को भी उसने धन के रूप में सहयोग दिया, ये सब किया, उसका फल मिलना है नहीं मिलना है? मिलना है। और एक पाप किया ना, एक व्यक्ति को उससे दूर करके उसके सारा परिवार को अशांत कर दिया, उसके परिवार के ऊपर बहुत बोझ चढ़ा दिया, और उस व्यक्ति का बीमारी बढ़ने का निमित्त बन गया, उसका फल मिलना ही नहीं मिलना है? तो कर्म का फल ऐसा आता है, कैसा आता है? देखिए, ये एक्स व्यक्ति दूसरा जन्म में कैसा होता है उसका हालत, उसको बहुत अच्छे परिवार मिलता है, क्योंकि उसने अच्छा पुण्य काम किया,
और उसके पास बहुत पैसा आता है क्योंकि उसने बहुतों को भी सहाय किया। उसके पास बहुत तरह के गाड़ी बंगला और सब कुछ सुविधा होता है। और उनको ऐसा एक बीमारी आ जाता है, उसके सामने गोल्डन स्पून है लेकिन वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कुछ भी भोग नहीं सकता। ये 99 सुख का रिटर्न 99 मिलता है, एक पाप का रिटर्न वो 99 सुख सामने होते भी भोगने नहीं देता। ये है कर्मों का गला। इसमें तारीख क्यों बन जाए, ऐसे कास क्या है इसमें? हमको उस बात पर हमको एहसास होना है, एक भूल भी हमारे साथ अच्छे कर्मों का फल भोगने नहीं देता। इसलिए बाबा हमको मुरली में हमेशा कहते हैं संपूर्ण संपन्न स्थिति, केवल केवल पूर्ण पूर्ण नहीं कहते, संपूर्ण संपन्न स्थिति। इसका मतलब क्या है? केवल पूर्ण होने का बात नहीं, संपन्न आत्मा को जीरो अकाउंट बनाना वही है संपन्न। आत्मा को जीरो अकाउंट में ले जाना उसी को कहते कर्मातीत। आत्मा को पूर्ण रूप से आत्म जागृति में आ जाना, प्रकृति का प्रभाव से दूर हो जाना, ये है जीवन मुक्त स्टेज।